अयोध्या सिविल लाइन के एक होटल में आईएमए की हुई प्रेसवार्ता। आईएमए के बायलाज के मुताबिक होगा चुनाव। आईएमए की बैठक होगी, उस बैठक में तय होगी चुनाव की रूपरेखा। 15 अक्टूबर को बनाई गई एडवाइजरी कमेटी, 7 नवंबर को निकाली जाएगी वोटर लिस्ट, 14 नवंबर को ली जाएगी। वर्तमान आईएमए की अध्यक्ष डॉक्टर मंजूषा पांडे ने असंवैधानिक तरीके से चुनाव कराने का लगाया आरोप। चुनाव के दौरान न वर्तमान अध्यक्ष मौजूद रही और न ही सीनियर्स डॉक्टर्स। नवमी त्योहार के दिन कराया गया चुनाव। आईएमए का चुनाव बायलाज के मुताबिक होगा, संवैधानिक तरीके से होगा चुनाव। प्रेसवार्ता में वर्तमान आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर मंजूषा पांडे के साथ डॉ एचपी शुक्ला, डॉक्टर एफपी सिंह, डॉक्टर केएस मिश्रा, डॉक्टर बीके गुप्ता, डॉक्टर राकेश तिवारी, डॉक्टर सीबीएन त्रिपाठी, डॉक्टर जीके पांडे, डॉक्टर विपिन वर्मा, डॉक्टर शिवेंद्र सिन्हा, डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, डॉक्टर एसएम द्विवेदी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, डॉक्टर संजय पांडे, डॉक्टर सुषमा त्रिवेदी, डॉक्टर पल्लवी श्रीवास्तव व अन्य डॉक्टर्स रहे मौजूद। मेंबर्स की ये मांग है, कुछ सीनियर डॉक्टर्स ने ये कहा कि जो है इलेक्शन, फिर इस बात पे भी आपत्ति उठी कि जो डॉक्टर जो अब इस समय प्रेजेंट अध्यक्ष है उनके समय ये नहीं हुआ था, लेकिन यदि हमारे समय नहीं हुआ था और हम कोई चीज नई अच्छी शुरू कर रहे हैं जिसमें किसी को कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सब लोग जो है नियम के हिसाब से, हमारा जो ये बायलॉज है इसमें सब चीजें आपको बताई गई है, कितने अच्छे से सब चीजें विस्तार से समझाई गई है। इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि आप नहीं लड़ सकते या आप नहीं लड़ सकते हैं। आपको नॉमिनेशन जिसको करना है नॉमिनेशन करे, जिसको नहीं करना ना करे, लेकिन कोई भी चीज एक प्रोसीजर है। आप देखिए अभी तक नहीं हुआ, आज हो रहा है, तो आज भी तो कोई चीज हम अच्छी ही शुरू कर रहे हैं। अभी दो दिन पहले जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय में जो मूर्ति लगी थी, न्यायमूर्ति, उसको भी तो तलवार हटा करके संविधान पकड़ाया गया है। तो कोई चीज अच्छी शुरू जब हो शुरू तभी अच्छा है। हमारा ये था मकसद कि हमारे समय हमारे प्रेसिडेंटशिप में एक अच्छा एक जो हमारे संविधान या हमारे जो बायलॉज में लिखा उस हिसाब से शुरू हो, और इसका मैंने भरसक प्रयास करा। मैंने डॉक्टर फ्रोस को कई लेटर लिखे और मेरे लेटर लिखने के बावजूद भी उन्होंने हर प्रोग्राम को, इवन इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी मीटिंग, इलेक्शन तो छोड़िए, कोई भी मीटिंग बिना प्रेसिडेंट और एडवाइजरी कमेटी के बिना नहीं हो सकती है, वो वैलिड ही नहीं है। लेकिन कोई भी इनके यहाँ ना कोई मीटिंग जो भी हुई या जो भी हुआ बिना प्रेसिडेंट के हुआ, कोई भी इलेक्शन प्रेसिडेंट के बिना नहीं होता है। यदि प्रेसिडेंट नहीं है तो वो अपना चार्ज किसी को रिटर्न में देके जाता है, वाइस प्रेसिडेंट को या जिसको भी चाहे, वो रिटर्न में देता है, उसके बाद होता है। लेकिन प्रेसिडेंट के यहाँ रहने के बावजूद भी प्रेसिडेंट को बिना इन्फॉर्म करे, और सीनियर डॉक्टर्स को, कितने सीनियर डॉक्टर्स इसके उनसे रिक्वेस्ट करी गई कि इसको अभी मत करिए, ये आईएमए के एसोसिएशन के यूनिटी के लिए अच्छी नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि वो हमारे उस समय हमारे फेस्टिवल चल रहे थे, हम लोग को इससे भी परेशानी थी कि भाई हमारे यहाँ कई ऐसे सीनियर डॉक्टर्स हैं जो नवरात में 9 दिन का व्रत रखते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं बाहर। ऐसे समय आप रख रहे हैं, कितने रास्ते बंद, नवमी के दिन तो देखिए सारे रास्ते बंद थे। नवमी के दिन रात में सारी दुर्गा पूजा हटाई जाती है और उस दिन सबसे बड़ा मेला तो नवमी के दिन ही होता है, उनको ये बार बार बताया गया। 2 दिन बाद औरतों की कॉन्फ्रेंस थी, आधे डॉक्टर उसमें व्यस्त थे, तो ये बार बार उनसे बताया गया कि ये हम लोगों की भावना का भी ध्यान रखा जाए। और हमारे जो सीनियर्स हैं जो व्रत कर रहे हैं, कभी भी गेजेटेड हॉलीडे में इस तरह के इलेक्शंस वगैरह नहीं होते हैं। ये तो हमारे आईएमए के यूपी प्रेसिडेंट ने हमसे कह दिया कि जब गेजेटेड हॉलीडे में करा है तो वो वैसे ही नल हो गया, वो मान्यता उसको वैसे ही नहीं मिली है। पूरी तरह से असंवैधानिक है, इसमें जो है कुछ लोगों को पता ही नहीं था, ये बायलॉज के हिसाब से ही नहीं हुआ है, इसमें प्रेसिडेंट और सीनियर डॉक्टर्स मौजूद ही नहीं थे, तो ये किस तरह का चुनाव है? प्रेसिडेंट ही तो दूसरे प्रेसिडेंट को ओवर देता है या अगला प्रेसिडेंट बनाता है। इसमें त्योहार के दिन हुआ है, हम लोगों का नौमी का उस दिन नौमी थी, डॉक्टर्स ने सबने मना करा कि आज के दिन ना करिए, बहुत सारे लोग व्रत हैं, रास्ते बंद हैं, और उस दिन गेजेटेड हॉलीडे भी था, उसके बावजूद भी ये करा है, मना कर लोग तो इसको पूरी तरह से असंवैधानिक कहते हैं। और हम चाहते हैं कि बायलॉज के हिसाब से ही इलेक्शन हो और होगा। इसका तो इसको हम लोग जो है एक जीबीएम आगे हम लोग जो है एक जीबीएम करेंगे, पूरा आईएमए एक जीबीएम करेगा। हम ये नहीं चाहते कि हमारे आईएमए में किसी तरह की फूट पड़े या डिवीजन हो, तो हम एक जीबीएम करेंगे और जीबीएम में जितने भी पास प्रेसिडेंट हैं उनकी एडवाइजरी कमेटी बनेगी और
उसके हिसाब से ये जो डेट है, जैसे 15 अक्टूबर तक हम लोग ने एक एडवाइजरी कमेटी बना दी है, इसके बाद 7 नवंबर को हम लोग एलिजिबल वोटर्स की लिस्ट निकालेंगे, 14 नवंबर को हम लोग इसको सबमिट कर, ऑब्जेक्शन कोई होगा इसमें तो सबमिट करेंगे, 24 नवंबर को हम लोग नोटिसिफिकेशन करेंगे इलेक्शन का, 8 दिसंबर को नॉमिनेशन फाइल करेंगे, 11 दिसंबर को जिसको यदि विड्रॉ करना है तो वो विड्रॉ करेगा, और 15 दिसंबर यूजुअली थर्ड संडे होता है, उस दिन हम लोग इलेक्शन करेंगे और उसी दिन ये रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा होना नहीं, हम होने नहीं देंगे। यदि कुछ ऐसा हो भी रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि अपने साथियों को वापस बुलाएं और नियमानुसार ही उनको, वो हमसे अलग नहीं है, हो सकता है किसी की बातों में आकर के या कुछ मन में ऐसे दुर्भाव आ गए हों जिसकी वजह से ऐसा हो रहा, तो हम उनसे मिलके ये विसंगतियों को दूर करेंगे, एक GBM बुलाएंगे, सबसे बात करेंगे और उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि बायलॉज के हिसाब से ही इलेक्शन हो। लोगों को तो ये था कि GBM होगा, GBM के बाद चुनाव होगा, हम लोग GBM भी उस तारीख के लिए मना कर रहे थे, हम लोगों ने कहा था 14 तारीख को, 14 तारीख तक सारे इलेक्शन पूरे हो जाते, एक औरतों की कॉन्फ्रेंस थी 12 तारीख को, वो अच्छे से हो जाती, और क्योंकि कॉन्फ्रेंसेस में आजकल जो डॉक्टर्स बाहर से आते हैं वो दर्शन करने बहुत सारे लोग आते हैं, तो उसमें 2 दिन तो लग ही जाते हैं, 1 दिन डॉक्टर दर्शन करते हैं फिर अगले दिन कॉन्फ्रेंस होती है, और उसके बाद 13 तारीख को संडे था, संडे को बहुत सारे डॉक्टर बाहर रहते, तो हम लोगों का ये प्रपोजल था कि 14 तारीख को एक GBM रखते, उसमें ये सारे बायोलॉज, हाँ मंडे होता उस दिन, हम लोग बायोलॉज पे डिस्कस करते और उसके हिसाब से सारे जो सीनियर पास प्रेसिडेंट है और हमारे जो एसोसिएशन के सीनियर मेंबर्स हैं उनसे मिलकर के ये डिसाइड करते हैं कि हम लोगों का इलेक्शन का आप कैसे कैसे हमको अपने बायोलॉज को फॉलो करना है। लेटर है उसके लिए, हमने उनको लेटर भेजा कि हम इसको हिसाब से करना चाह रहे हैं, उस दिन भी भेजा गया, यहाँ तक कि हमने हमने पास प्रेसिडेंट है उनके लेटर को भी उनको फॉरवर्ड करा कि ये उनका भी ये कहना है कि आप जो है बायोलॉज के हिसाब से इलेक्शन करिए, यदि आपका बायोलॉज नहीं है तो आप स्टेट वाले बायोलॉज के हिसाब से करिए, लेकिन हमारा तो बायोलॉज ऑलरेडी बना हुआ है और बहुत अच्छा बना हुआ है, तो उनको हमारी तरफ से तो अवैध ही है। अयोध्या उत्तर प्रदेश से सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट, देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।